दोस्तों एक बार एक बच्चा अपने घर की कॉलोनी से जो मेन सड़क मिलती है उसमें कॉर्नर पे बेंच पे बहुत देर से बैठा हुआ था। जब काफी देर हो गई उसको बैठे हुए, उसको एक बुजुर्ग बहुत देर से देख रहे थे। वो देख रहे थे बच्चा बहुत देर से यहाँ बैठा, सूरज भी अब थोड़ा ऊपर होने को हो गया है, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इस बच्चे से पूछा, बेटे अब मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कारण है? तो बच्चे ने कहा, सब मुझे डांटते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं घर से लड़के आ गया हूँ, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, ओहो दैट सीरियस, आप घर छोड़ के आ गए, लेकिन जब आप घर छोड़ के आए गए तो अभी यहाँ क्यों बैठे हैं? तो बच्चे ने कहा, क्योंकि माँ ने रोड के उस तरफ जाने से मुझे मना किया है। तो समझ में आया दोस्तों, हम लोग के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, हम कुछ चीज़ें बहुत जोर शोर से शुरू कर लेते हैं मगर फिर हमारे अंदर का ही इनहिबिशन हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि किसी ने हमें आगे बढ़ने से जाने से मना किया हुआ है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड फीट, डेवलपिंग ए कोल्ड फीट या गेटिंग ए कोल्ड फीट, ये हमारे सबके साथ में होता है। तो इस इनहिबिशन को तोड़ना होगा आपको और आगे बढ़ना होगा। जब आप घर छोड़ के आए गए हो, जब आपने एक स्टेप ले लिया है, यानी यू हैव मूव्ड अ स्टेप फॉरवर्ड, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू, व्हाट इज दैट इनहिबिशन? तो अब आप आगे बढ़िए, उस इनहिबिशन को तोड़ना सिर्फ आप और आपके बस का काम है। उसको तोड़िए, आगे बढ़िए, अपने सपने साकार कीजिए और मंजिल तक पहुंचिए। ऑल द बेस्ट।